खबर है नीमला अलवर से। घर में घुसकर मारपीट की, पुलिस थाना टहला में मामला दर्ज हुआ। परिवादी जीतूराम सैनी ने बताया कि 19 मई 2024 को दोपहर के समय पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। उसी समय अचानक 30-35 लोग दो कार व मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। वाहन नंबर RJ14PF15926 व RJ29CB7546 हैं। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। घर वाले कुछ समझते हैं उससे पहले ही लाठी डंडे सरिया लेकर आए थे और हमला कर दिया, जिससे परिवार को अधमरा हालत में छोड़कर कुछ लोग घर में घुसकर तोड़ फोड़ की व बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख रुपये नकद व 2 वीडियो कैमरा लेकर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई। पड़ोसी ने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया और उनको राजगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर उनका उपचार के लिए लाया गया, जिसमें लाली देवी, नहनू राम सैनी, प्रियंका सैनी, बबीता सैनी, अभिषेक सैनी, जीतू राम सैनी, छोटे लाल सैनी व 6 माह की छोटी बच्ची के साथ भी मारपीट की और गंभीर चोट लगी। परिवार ने टहला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। जी, मैं खाना बना के बाहर को भैया को डालने के लिए आई थी जी। और उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करने के मतलब आते ही उन्होंने लाठी वर्ची जो भी हथियार थे उनसे हमसे झगड़े किए। क्या नाम था उनका? उनका नाम महेंद्र पिंटू और उसका नाम एक करता है राम की रामचंद्र। चारों ने मेरे साथ छेड़खानी की थी। कौन से गाँव के थे? वो आबानेरी के थे। आबानेरी? आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका कुमारी सैनी। जी भाई, सर 19 अप्रैल की बात थी सर, जिसमें क्या था कि मेरी पत्नी मेरे मुझ में कुछ कहासुनी हो गई थी। उस बात को लेकर उसने अपने घर वालों के पास फ़ोन कर दिया, तो उसने घर वालों को बुला लिया यहाँ से। 19 तारीख को आके सर वो कम से कम 25-30 जने थे, 6-7 तो मोटरसाइकिल थी। कौन से गाँव का? आबानेर त्रुवाड़ा के थे वो, और 2 कार थी उनके पास। तो कम से कम 25-30 जने आए वो कम हथियार लेके, जो भी डंडा सरिया जो भी, और आते ही उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा सर, और अपनी बच्ची को बैठा कर हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरा भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर पर चोट आई है काफ़ी, और मम्मी का हाथ टूट गया बिल्कुल, और सिर पर चोट आई है, और सभी को हमको बुरी तरह मारा है सर उन्होंने। और ये हमारे जो घर में रखे हुए थे कम से कम 1 लाख रुपये थे कैसे, उनको लेकर भाग गए, और 2 कैमरे थे फोटोग्राफी के जिनकी कीमत करीब 3 लाख थी, वो लेके चले गए, और हमारे जो शीशे हैं उनको तोड़ दिए उन्होंने। और सर में हमारे जो भी घर में जो जेवर रखा था उनको सबको लूटपाट करके ले गए। और पहले भी उन्होंने करीब लगभग 1.5 महीने पहले मेरे ऊपर दहेज का केस लगा दिया था, और लड़की जो मेरी पत्नी थी और उसके पिता और उसके जो माती और भाइयों मिलकर मुझसे पैसे मांगते थे, पैसा नहीं देगा तो तेरे ऊपर दहेज का केस लगा देंगे। लेकिन क्या सर, मैं इस बच्चियों को लेकर वो था कि मैं पढ़ रहा था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर वो हो जाएगा। तो ये इस बच्ची को भी सर हमारे जो मारपीट की है, इस बच्ची का तो क्या कसूर था सर, ये इसके पिता जो उसका पिता था मोतीलाल सैनी, उसने इसी इतनी क्रूरता से मारा है कि आपको करे मार के जाएंगे हम,